जय श्री महाकाल। आज संतवाणी चैनल के माध्यम से आज ये किन्नर अखाड़े में आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये कहने का है कि हमारा किन्नर अखाड़े का शिविर लग गया है और भारत में चार जगह कुंभ होते हैं, जैसे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। मगर हमारे प्रयागराज में हर साल माघ मेला होता है और ये 2022 का माघ मेला है और हमारे किन्नर अखाड़े का शिविर लग गया है। और 3 साल से तो कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इस साल भी माघ मेला की स्टार्टिंग में ओमिक्रोन जैसी बीमारी आई है और इसका ध्यान रखते हुए हम लोग अपने शिविर में हर चीज़ का ध्यान रख के काम कर रहे हैं। कोई भी काम हो जैसे सैनिटाइज मास्क लगा के ही सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोगों ने जितने भी किन्नर अखाड़े के हैं यहाँ पे संत हैं, महंत हैं और सभी हम सभी मिल करके महासंक्रांति का स्नान किया पहला, और दूसरा हमारा पौष पूर्णिमा का स्नान हम लोग ने किया जिस दिन से कल्पवास स्टार्ट होता है। सभी यहाँ आते हैं, कल्पवास करते हैं, 1 महीने रहते हैं यहाँ पर, माँ गंगा से कामना करते हैं कि माँ गंगा सबका दुख हर लें और श्रद्धा की डुबकी लगा करके माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। और हम लोगों ने भी श्रद्धा की डुबकी लगा के, हम किन्नर समाज ने लोगों के भले के लिए प्रार्थना किया है कि कोविड की बीमारी जल्द से जल्द हमारे भारत से समाप्त हो और पहले की तरह सब अच्छे से सब अपना जीवन व्यतीत करें। और हमारा किन्नर अखाड़े का शिविर सेक्टर 5 ओल्ड जीटी रोड पे लगा हुआ है। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, आप आइए, क्योंकि हम न नर में न नारी में अर्ध नारेश्वर का हम रूप हैं और हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। सभी के अच्छे शुभ कामना सभी के लिए हम लोग करते हैं कि जितने भी बाल बच्चे वाले हैं सब अच्छे रहें, महाकाल माँ गंगा सबको तरक्की दें, जिसकी औलाद ना हो उसको औलाद दें, सबको बेटा दें बेटी दें, मगर हमारे जैसा जन्म किसी परिवार में ना दें। मगर हमें खुशी है कि हमें अपने जन्म से बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं जब से तिरस्कार हुआ है, मगर क्या है कि तिरस्कार सहने की हमें आदत हो चुकी है। कोई कुछ भी कहता है हम लोग हर चीज़ सुन के हंस के निकल जाते हैं और सबके लिए यही आशीर्वाद और यही दुआएं करते हैं कि सब बच्चे वाले खुश रहें, क्योंकि औलाद वालों से हमारा पेट भरता है। आप बच्चे वाले बने रहेंगे तो हमारे तन का कपड़ा मिलेगा और पेट की रोटी देंगे, और हम लोग यही कामना करते हैं। और अभी हमारे बहुत सारे महामंडलेश्वर जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और भी अलग अलग देश से सारे आ रहे हैं और आ चुके हैं। दिल्ली से अभी महामंडलेश्वर आई हैं हमारी भवानी माँ, और भी महामंडलेश्वर आएंगे 25-26 मौनी अमावस्या से पहले सारे आ जाएंगे। और हम सारे किन्नर अखाड़े के जितने भी महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं और हमारी स्वामी आचार्य लक्ष्मी माँ जो इस अखाड़े की प्रमुख हैं, वो भी आ जाएंगे और हम लोग भव्य तरीके से मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, नाचते गाते धूम मचाते माँ गंगा का डुबकी लगाएंगे और आप सभी के लिए कामना करेंगे। जय श्री महाकाल। और आप सभी का हमारे किन्नर अखाड़े में स्वागत है। मैं प्रयागराज से कल्याणी नंदगिरी, प्रयागराज की महामंडलेश्वर। जय श्री महाकाल। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।